और यहाँ पे बाइक राइडिंग का मजा आता है और व्यूज अच्छे कैच होते हैं। काफी गंदी रोड है, ये ऑफ रोड है, बाइक हमारी एक एक फुट ऊपर जा रही है। डिफरेंट एंगल वगैरह कैच करने की कोशिश की है, डिफरेंट एंगल ट्राई किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू विला। आज हम चलते हैं अपनी सेकंड राइड पे और ट्राई करते हैं मोटो व्लॉगिंग। ये मोबाइल के साथ हम डिफरेंट एंगल आज कैच करने ट्राई करेंगे कि आज थोड़ा सा इसको ना मैंने यूं स्ट्रेट रखा है और देखूंगा कैसे एंगल वगैरह आते हैं। तो चले लेट्स सी, वीडियो को देखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा। तो वीडियो को देखें आगे, चले चलते हैं राइड पे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू विलाग। ये देखें खूबसूरत ब्रिज रेड कलर के, इसी तरह ये आगे भी ब्रिज आया है। ये पहले आप व्यू चेक करें, व्यू कैसा आ रहा है ये रेड ब्रिज का और फिर आगे हाई राइज बिल्डिंग का, तो फिर आगे वीडियो में डिटेल आपको बताते हैं। ये देखें हाई राइज बिल्डिंग मेरी लेफ्ट और राइट साइड पे। ये काफी खूबसूरत ट्रैक है और ये एक नई सोसाइटी डेवलप हुई है गुलबा ग्रीन इस्लामाबाद। तो यहाँ पे अभी रोड काफी वाइड है, काफी खूबसूरत ट्रैक है और यहाँ पे बाइक राइडिंग का मजा आता है और व्यूज अच्छे कैच होते हैं। और आप चेक कीजिएगा व्यू और एंगल कैसा आ रहा है। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है विद माउंट एंड हेलमेट कैमरा। मैंने अपना मोबाइल फिक्स किया हुआ है हेलमेट पे, तो एंगल वगैरह चेक कीजिएगा कैसे आ रहे हैं और व्यू कैसा है। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है तो मैं जस्ट चेक करना चाह रहा हूँ कि कैसे एंगल कैच होता है। जो मेरी इससे पहले वीडियो थी तो उसमें थोड़ा सा व्यू का और एंगल का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा नीचे की तरफ एंगल आ रहा था, लेकिन आज मैंने इसको थोड़ा सा व्यू फ्रंट की तरफ ऊपर की तरफ सेट किया है। चेक कर रहा हूँ कैसे एंगल आ रहे हैं, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग में मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है। तो वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, आप भी जब स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम आपको भी लग जाएगा सीखने में, एंगल बराबर करने में, एंगल व्यूज वगैरह कैच करने में। आज अच्छा एंगल और व्यू कैच होगा क्योंकि आज इसको मैंने थोड़ा सा स्टेयर करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखा था कि सामने फ्रंट का ज़्यादा व्यू कैच हो। और ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, ग्रीनरी और हाई राइज बिल्डिंग है इसके दोनों अतराफ में लेफ्ट और राइट साइड पे। जब तक एंगल सही तरह कैच नहीं होंगे तो मैं इन्हीं ट्रैक पे ट्रेनिंग में आता रहूँगा। तो चलो वीडियो को आके देखते रहें, एंगल चेक कीजिएगा कैसे आ रहे हैं। उम्मीद है आपको आज के एंगल वगैरह पसंद आएंगे। और आप भी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास अगर एक अच्छा कैमरा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जस्ट एक सिंपल मोबाइल फ़ोन होना चाहिए कैमरे वाला, और फिर आपको माउंट परचेज करनी है। वो माउंट आपको मिलेंगी तकरीबन 1000 रुपये से 1200-1300 रुपये में मिल जाएंगी, और वो आप जब अपने हेलमेट पर फिक्स करेंगे साथ मोबाइल अटैच करेंगे तो फिर आप कहीं भी जाएंगे आप वहाँ के व्यूज कैच कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर बताया था कौन सा माउंट कैसे फिक्स करना है और कैसे उसमें मोबाइल डालना है। ये पुलिस की चेक पोस्ट, लेकिन यहाँ पे अभी कोई था नहीं। माइक अगर व्यू लॉगिंग करने का एक फायदा है कि जब आप माइक यूज करते हैं और आप हेलमेट के अंदर फिक्स करते हैं तो बाहर से आपकी वॉइस नहीं कैच होती,
और आपकी जो ओरिजिनल वॉइस है वही आ जाती है, और सांस वगैरह जो आपकी फूलती है, जो वैसे भी मुझे प्रॉब्लम है सांस की थोड़ी, तो वो इसमें कैच नहीं होती, प्रोफेशनल मोड में वॉइस कैच हो जाती है और ऑडियंस को ऐसे ही आगे फॉरवर्ड होती है। ये सामने देखे खूबसूरत बिल्डिंग आपको नजर आ रही है हमारी लेफ्ट साइड पे, ये काफी अच्छे व्यूज और एंगल बन रहे हैं इसमें। इस लोकेशन की खास बात यही है कि यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है अपने सब्सक्राइबर को, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड पे काफी ग्रीनरी और बिल्डिंग है हाई राइज जो कि सारी अभी बन रही है, ये एरिया डेवलप हो रहा है, जब डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पे काफी ट्रैफिक हो जाएगी, फिर यहाँ पे भी राइड नहीं हो सकेगी। अभी बिल्कुल फ्रंट पे आप चेक करें काफी आगे तक आपको मे भी नजर आ रहा होगा एंगल वगैरह और व्यू कैच हो रहे होंगे वो पीछे तक। तो चले वीडियो को देखें, अभी वो तो आपको पसंद आएगी तो ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा जब तक प्रॉपर एंगल वगैरह मैं खुद से सीख ना जाऊँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये हम अभी बिल्कुल ऑफ रोड ट्रैक पे आ गए हैं और यहाँ से थोड़ा सा व्यू कैच करने की कोशिश करेंगे और देखते रहिएगा कि एंगल वगैरह कैसे आते हैं और व्यू कैसा कैच हो रहा है। हालांकि काफ़ी गंदी रोड है, ये ऑफ रोड है, लेकिन फिर भी चलो आप देखते रहें। ये सामने सूरज पड़ रहा है तो आई होप के आपको व्यू सही कैच हो रहा होगा। यहाँ से राइड लेते हैं फिर आपको सही समझ आएगी। ये थोड़ा सा कच्चे पे जाएंगे इस ऑफ रोड ट्रैक पे ताकि एंगल वगैरह की समझ लगे और देखें कितना वाइब्रेट करता है मोबाइल और कैसा व्यू आता है। ये काफी गंदी ऑफ रोड हम जा रहे हैं, काफी बड़े बड़े खड्डे वगैरह हैं, तो आप चेक कीजिएगा और बताइएगा एंगल के बारे में। बाइक हमारी एक एक फुट ऊपर जा रही है। चलो आज ऑफ रोड राइड का भी एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे एंगल वगैरह कैच होते हैं, अब जब भी कहीं ऑफ रोड जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे एंगल वगैरह कैच होते हैं। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज मैंने मोटो व्लॉगिंग के जरिए डिफरेंट एंगल वगैरह कैच करने की कोशिश की है, डिफरेंट एंगल ट्राई किए हैं और मैंने चेक किया है कि कैसे व्यूज वगैरह आते हैं। तो आई होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।